आवर लाइफ स्टाइल एंड मैं हूँ आवा। सो टुडेज वीडियो टाइटल देख के तो आप समझ गए कि क्या होने वाला है। सो टुडे आई एम प्लानिंग टू सेग्रीगेट माई वार्डरोब। आई थॉट वाई नॉट आई एम शेयरिंग माई ऑल विंटर कलेक्शन। ऑल विंटर कलेक्शन तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे बहुत 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 सारा सा है, बट मेरे पास बहुत ही चंद कपड़े हैं ठंड के लिए, बहुत ही कम कपड़े हैं, क्योंकि ये वाली जो ठंड है कि ये 4-5 साल बाद मुझे पड़ी है, और 5 साल में आप समझ सकते हो। और सारी विंटर के आफ्टर मैरिज तो मैंने कोई विंटर देखी नहीं, और विंटर का एक भी कोई सिंगल कपड़ा भी नहीं था मेरे पास जो मैंने खरीदा हो, बिकॉज हम ऐसी जगह जगह पे रहे हैं जहाँ पे विंटर होती ही नहीं है। विंटर बहुत ही नाम मात्र की रहती है, ठंड का कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक। तो मोस्टली होते थे मेरे पास जो कैजुअल, हम हल्की ठंड कैजुअल कपड़े पहनते हैं लाइक दैट, और वो सारे कपड़े आप लगा लो कि 1-2-3 कवर्ड फुल हो गए हैं मेरे, और उसके बाद भी कुछ कुछ बैग में रखे हैं। तो समझ सकते हो आपकी विंटर कलेक्शन मतलब एक बूंद ऐसा कुछ है। सो लेट्स गेट स्टार्ट इन दिस वीडियो। ऑलराइट, सो आई हैव फर्स्ट जैकेट जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जैकेट बहुत ज़्यादा वॉर्म है, और ब्लू कलर की पूरी जैकेट है जिसके साथ हुडी अटैच है। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये जो ब्रांड है, ये मैंने मोंटे कार्लो के स्टोर से परचेस किया था जो कि फोर्ट कोलिन है, और नीचे ब्ला ब्ला सिंस 1985 बाय समथिंग समथिंग। और ये जैकेट मेरे पास कितना पुराना है, ये जैकेट 8-9 साल पुराना है। और ये जब मैंने परचेस किया था तो मुझे लग रहा था मैं बड़ी होंगी तो ये जैकेट उसके हिसाब से बड़ा होगा, मतलब ऐसा मम्मियों का मानना होता है कि थोड़े बड़े कपड़े लो जो कि काम आएंगे। बट ये एज इट इज़ है, मैं भी बड़ी नहीं हुई और जैकेट भी एज इट इज़ थोड़ा लूज है मुझे। और ये जैकेट गाइस सीरियसली सो वॉर्म, स्पेशली इसके अंदर का पार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हगी वाला फीलिंग कराता है, और जो कलर है वो रॉयल ब्लू एंड दिस क्यूट जैकेट के साथ हुडी, और हुडी वाले जैकेट मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। साथ में इसके ये डिटैच ये भी हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा वार्म है। कुछ इस तरह की ठंड के लिए कुछ इस तरह के जैकेट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। सो सबसे पहले मैंने इसलिए इसको रखा है, और ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट जैकेट है जो मेरे पास है अभी इस टाइम पे। अदरवाइज़ मेरे पास बहुत ही लिमिटेड सा कलेक्शन है, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ। जैसे अगर आप मानो समर के कलेक्शन में 3 वार्डरोब्स भर सकते हो, तो इसमें आप एक रो वार्डरोब के भर सकते हो, दैट्स इट। सो इतना सा कलेक्शन है, बट जब मैं सेगमेंट कर रही हूँ तो शेयर भी कर लिया। ये एक पूरा जैकेट है, पीछे से इसके कुछ इस तरह से कट है, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और इतने साल चल गया तो आगे भी ये कंटिन्यू चलने वाला है, यानी कि बड़े लोग सही बोलते हैं। एंड सेकेंड आई हैव दिस ब्यूटिफुल लॉन्ग स्वेटर। कितना लॉन्ग है ये, पूरे कैमरे में भी नहीं आएगा। ओके, इसे मैं ऐसे दिखाती हूँ, यू कैन सी। और ये स्पेशली जब हम पहनते हैं कुर्ता सूट या जीन्स पे भी बहुत ही अच्छे से जाता है। इसके फ्रंट में पूरे में बटन है, जो इस ठंड में तो मैंने इसको बिल्कुल नहीं पहना है, पहना ही नहीं है मैंने। पीछे इसके बांधने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पूरा ये मैं आपको दिखाऊंगी पहन के इसको भी साइड में। तो ये कुछ इस तरह का है, इसकी कॉलर है, और इसकी जो स्लीव्स हैं अगेन वो बड़ी बहुत बड़ी सी स्लीव्स हैं, और सेम एज ये भी मोंटे कार्लो से लिया हुआ है, और ये ओसवाल से लिया हुआ है, सॉरी इट्स नॉट मोंटे कार्लो, ओसवाल से लिया हुआ है। यहाँ पे मेंशन है इसके, लुक एट दिस, एंड साथ में इसका आप देख रहे हो प्राइस टैग भी इसी के अंदर था जो अभी अभी निकला है। तो ये मुझे मिली थी 2,949 रुपीज़ की, जो अभी स्लिप हाथ में आ गई मेरे। सो ये स्वेटर का प्राइस अभी अभी मुझे भी अभी ही पता चला है, जो मैंने अंदर से अभी निकाला है, क्योंकि ये मैंने पहना नहीं है जैसा आपको बता दिया। एंड नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटीफुल वाइट एंड पर्पल स्वेटर, और ये मैं इस विंटर में 3 से 4 बार मैंने पहना हुआ है, और ये ब्यूटीफुल सी स्ट्रिप्स हैं इसके ऊपर, और ये किसी भी कैजुअल ड्रेस के साथ किसी के साथ भी बहुत ही अच्छे से आता है। इसकी जो नेक की डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनी हुई है, कैन सी दिस ब्यूटीफुल। बाल जरूर मैं ख़राब कर लूँगी सारे, लुक एट दिस, सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक ये वाला स्वेटर है, और बहुत ही लाइट वेट है। तो ये जो हल्की फेब्रुअरी वाली ठंड आती है या नवंबर में स्टार्ट होती है, उस तरह उस टाइप में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल स्वेटर है। नेक्स्ट आई हैव दिस जैकेट जो कि है
एडिडास की, और इसकी एक स्टोरी मैं बताती हूँ आपको। ये जैकेट मैंने पूरा सूट परचेस किया था, लाइक जब मैंने प्लान किया था मैं थोड़ा सा वॉकिंग शॉपिंग पे जाऊँगी, और उस टाइम पे मैंने ये एक जैकेट प्लस एडिडास शूज और इसके नीचे की एक जेगिंग्स, ये तीनों का सेट परचेस किया था एडिडास शोरूम से। तो जो जेगिंग्स है, जो इसकी लेगिंग्स इसके साथ आई थी, वो तो पूरी यूज़ हो चुकी है, फटफटा के पता नहीं कहाँ चली गई। एंड अगेन ये बहुत ज़्यादा पुराना है, आई थिंक वो फर्स्ट वन जैकेट, और ये सेम हैप्पी बर्थडे है इन दोनों का। तो ये मैंने तब खरीदा था। इसमें पूरी पिंक कलर की बहुत ही प्यारी सी स्ट्रिप्स हैं, लाइट डार्क डार्क एंड डार्क करके, और आज भी ये बहुत प्यारी लगती है मुझे पहनने में। एंड तब ये साइज़ में थी, स्मॉल साइज़ की जैकेट है ये, और पहन के भी दिखाती हूँ ये मैं। लुक एट दिस जैकेट एंड हियर इज ब्यूटीफुल हुडी, है ना, बहुत प्यारा सा क्यूट सी जैकेट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट इधर है मेरे पास अगेन एक स्वेटर जो कि हुड है इसमें, और ये है, ये किसका है, ये मोंटे कार्लो से लिया हुआ है। एंड इसकी ये ब्यूटीफुल सी स्लीव्स हैं जो मैं कैजुअली अभी के विंटर में घर में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ उसको, बहुत 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 ही ज़्यादा। तो ये, और इसमें है साइड में ब्यूटीफुल सी पॉकेट्स, तो एक ये स्वेटर है। And again, it's hoodie here because I'm hoodie lover. Alright, so next, what is next? So next जो है ये है मेरे पास beautiful एक Gugdek China, बहुत ही प्यारा सा jacket, like coat kind of आप बोल सकते हो उस पर। इसकी बहुत ही warm है ये, और अंदर इसके पूरा कुछ इस तरह से silk का material दिया हुआ है जो कि स्पेशली ऑफिस गोइंग हो अगर आप, और किसी पार्टी शार्टी में ऐसे जा रहे हो कैजुअली किसी से मिलने, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल सा जैकेट, बट इसमें मैं अपने शोल्डर्स को पूरा फ्री नहीं फील कराती हूँ, लाइक ऐसे करूँगी तो बहुत ही प्यारा सा वाइट कलर का जैकेट है ये। और अगेन इसमें कुछ इस तरह के बेल्ट हैं जो हम कमर के पास बांध सकते हैं। हेयर इज़ जॉकी वार्मर, मैंने पहले आपके इससे पहले मैंने सारे विंटर के टॉप्स भी निकाल के रखे थे, बट वो आधे मैंने ऑलरेडी सेग्रीगेट कर लिए, फिर मुझे विंटर जब मैं सेग्रीगेट कर रही थी तब मैंने ये वीडियो प्लान किया। सो वार्मर अभी बाहर रह गए हैं जो कि जॉकी के हैं, और ये लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड अगेन ये फोर टू फाइव ईयर्स पुराने हैं ये वाले, इसमें से दो सेट लिए थे जो भी एक बचा है। ओके, ये मैं ये क्या दिखाऊँ आपको, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। And next, I love this coat. Look at this guy. This is beautiful, long. मतलब मैं ही ना दिखूँ आपको, आगे इसमें बड़े से बटन हैं और अंदर इसका जो मटेरियल है बहुत ही ब्यूटीफुल सा है पूरा, क्योंकि मैं इसे बहुत बाहर कैरी कर चुकी हूँ, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पहना है मैंने ये वाली विंटर में स्पेशली। तो ये लॉन्ग कोट है, ऑलमोस्ट मेरे नी तक ही आता है, और मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो ये वाला एक मेरे पास विंटर का अच्छा खासा सा कोट है। एंड हेयर इज वन शॉर्ट जैकेट जो कि मैंने अभी रिसेंट परचेस करी है, और ये पूरा अंदर कुछ इस तरह सिल्क का है, एंड बाहर से आपको दिखाती हूँ, यू कैन सी इट्स सो कूल। सो ये कुछ इतना शॉर्ट है, और तो एक ये जैकेट था। एंड लास्ट मेरे पास हैं ये टू टोपाज, एंड ये ब्यूटीफुल सा एक रेड टोपा जो कि शॉर्ट कान भी कवर नहीं करता, इतना छोटा सा है, बस स्टाइल मारने के लिए छोटू सा टोपा है। एंड हेयर इज नेक्स्ट, इस तरह से लगाने का है। एंड अगेन आई लव दिस वन, बहुत ही अच्छे से आता है पूरा हगी करके, और इस विंटर में इसने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, लाइक बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हुई है। ऑल राइट गाइज, तो ये था मेरा ऑल ओवर विंटर कलेक्शन, आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा आज का वीडियो। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर हैं थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन बाय। और अब ये सारा मुझे सर्टिफिकेट भी करना है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है।